पाठ 12वां सुनीता की पहिया कुर्सी। यह पाठ ऐसी बच्ची का है जिसको जन्म से लेकर चलने में दिक्कत होती थी और उसको पहिया कुर्सी के सहारे ही अलग अलग जगहों पर जाना होता था। वह पूर्ण रूप से स्वावलंबी थी, वह समझदार थी, होशियार थी, बाकी बच्चों जैसी ही थी। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसे दूसरे बच्चों से अलग समझा जाए। तो एक दिन ऐसी कौन सी बात हुई, कैसे उसने अपने दोस्त बनाए, ये हम इस पाठ के द्वारा देखते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। सुनीता एक ऐसी लड़की थी जो पहिया कुर्सी पर सवार होकर ही अलग अलग जगह पर जाती थी। घर के बाहर निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं था। कुर्सी के बिना तो उसका चलना बहुत ही मुश्किल था, पर वो किसी भी तरह से किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। जैसे ही सुबह उठी उसे याद आया कि आज तो उसे क्या क्या काम करना है। हाँ, माँ ने बताया था कि आज उसे बाजार जाना है। तो बाजार जाने की बात सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे अच्छा लगा क्योंकि बाजार में कई तरह की अलग अलग चीजें उसे देखने को मिलती थी, और खास बात तो यह थी कि आज पहली बार वह अकेली बाजार जाने वाली थी। उसने अपने टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। इस तरह से बिस्तर से उठकर उसने अपना पहिया कुर्सी को पास में लेकर उस पर स्थान ग्रहण किया। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी, फुर्ती से, तेजी से। वह अकेली थी, सिर्फ चलना फिरना नहीं जानती थी, मतलब जानती थी लेकिन नहीं चल सकती थी। उसके पैरों में कोई कमी थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, लेकिन उसने कभी किसी का सहारा नहीं लिया। जब से थोड़ी बड़ी हो गई, अपने कपड़े खुद पहनना, जूते खुद पहनना उसने सीख लिया था। हर एक काम के लिए माँ की मदद लेना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर अपने रोजाना के काम के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। उसको आज बाहर जाना था, उसके पहले उसने नाश्ता करना सोचा। अब उसे नाश्ते में अचार की बोतल चाहिए थी। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अब उसकी माँ भी जानती है कि सुनीता पहिया कुर्सी पर ही सवार होकर अलग अलग जगह जा सकती है, पर उसने फिर भी अपनी बेटी को पूरी तरह से स्वावलंबी बनाने की ठानी है। इसलिए उसने क्या कहा, अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है। 1 किलो चीनी लानी है, चीनी यानी शक्कर। पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी, मतलब 1 किलो चीनी लाना क्या तुम्हारे लिए संभव है। पक्का, उसे अपने पर पूरा भरोसा था, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। चूंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। सुनीता बाजार के लिए निकली। आज छुट्टी का दिन था तो बच्चे खेलते हैं, पढ़ाई का माहौल नहीं होता। एक दिन की छुट्टी बच्चे एंजॉय करते हैं, उन्हें मजा आता है खेलने में, और बच्चे खेल रहे थे। लड़के लड़कियां कोई रस्सी कूद रहा था, कोई गेंद से खेल रहे थे। सुनीता को थोड़ा उदास लगा क्योंकि वह भी उन लोगों के साथ, बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। वह अपने आप को उन बच्चों से अलग नहीं समझती थी किसी भी मुकाबले में, पर नहीं खेल सकती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी और वो उस लड़की को उसकी माँ लेने आई थी और वो उसे टुकुर टुकुर देख रही थी।
फिर दूसरे एक लड़के को उसने देखा, फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को, उस लड़के को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। इस तरह किसी की शारीरिक कमियों को लेकर चिढ़ाना गलत बात है। तो वो कद से छोटा था, नाटा था, इसलिए सब उसे छोटू छोटू कह रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस तरह कोई किसी को चिढ़ाए कद की वजह से या शारीरिक व्यंग की वजह से, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर से सोचने लगी, ये सब मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। उन्हें अजीब लग रहा था कि ये अकेली लड़की पहिया कुर्सी पर बैठे कहीं जा रही है। छोटी थी वो, बहुत बड़ी भी नहीं थी। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा। उस छोटी लड़की ने पहिया कुर्सी को पहली बार देखा था, तो वो जानना चाहती थी उस कुर्सी के बारे में। इसीलिए उस लड़की ने सुनीता से पूछा कि ये जो अजीब सी चीज है वो क्या है। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। अगर वो पूछती, वो लड़की छोटी थी, फरीदा छोटी थी, अगर वो पूछती तो सुनीता उसका जवाब देती, वो उसका बुरा नहीं मानती। पर बड़े लोगों को इस तरह किसी की कमियों को सबके सामने पूछना अच्छा नहीं लगता, इसलिए माँ ने सोचा कि अगर वह फरीदा को इस तरह पूछते देखेगी तो वह ठीक नहीं होगा। इसलिए उन्हें माँ ने फरीदा को टोका और कहा कि इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया, सुनीता ने दुखी होकर कहा। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था, जबकि हम लोग जानते हैं कि पहियों की कुर्सी लेकर सीढ़ियों पर चढ़ना मुमकिन नहीं होता। उसके लिए एक स्लोप होना चाहिए, रैंप होना चाहिए। उसके लिए यह कर पाना मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया, क्या मैं तुम्हारी मदद कुछ मदद करूँ। तो अमित ने सुनीता की मदद करनी चाहिए। उसने सुनीता को देखा था और जैसे कि वो चाहता था कि सुनीता दुकान में जाए, लेकिन सुनीता का दुकान में जाना संभव नहीं था। पहिया कुर्सी ऊपर सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए अमित ने कहा कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। मेरा नाम सुनीता है, सुनीता ने राहत की सांस ली। राहत, कुछ अच्छा महसूस किया, चैन की सांस ली और मुस्करा कर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे। हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। इस तरह उसने पूरी पहिया कुर्सी को दुकान के ऊपर लाकर रख दिया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। धन्यवाद, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। अब दूसरे लोगों के प्रति उस दुकानदार का व्यवहार अलग होता, क्योंकि सुनीता अपनी कुर्सी पर आई थी। दुकानदार ने उसे अपाहिज समझकर उसकी ज्यादा मदद करनी चाहिए, जो सुनीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। अजीबोगरीब, अलग, दूसरों से हटकर, अमित ने क्या जवाब दिया। हो सकता है ऐसा व्यवहार करते हैं, क्यों? क्योंकि तुम पहिया कुर्सी पर हो, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। पर बाकी के लोगों के पास ऐसी कुर्सी नहीं होती, वे पैदल चल के आते हैं, अपने दोनों हाथों से काम करते हैं, पर सुनीता
पैदल नहीं चल सकती थी, वो उठकर खड़ी नहीं हो सकती थी। इसीलिए जन्म से लेकर थोड़ी दिनों के बाद जब से चलना सीखा तो वो पहिया कुर्सी के सहारे ही चलती गई। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित को उसकी बात समझ में आई, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो इनको अपने में शामिल करना नहीं चाहते। अमित ने अपना सिर ना हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इस तरह तुम भी अलग हो। क्यों? उसने कहा, क्योंकि उसका कद छोटा था। अमित का कद छोटा था इसलिए सब उसे छोटू छोटू कहते थे, और यहाँ सुनीता पहिया कुर्सी पर बैठी थी इसीलिए वो दूसरों से अलग है, ऐसा अमित कह रहा है। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही है। अमित ने दो बार अपना सिर नामे हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई, अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई, वो छोटी लड़की जो उसके पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित छत से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। खूब मजे से उसको अमित नाम का दोस्त मिल गया था, फरीदा नाम की लड़की भी उसकी साथिन बन गई थी, और सारा माहौल उनकी उसके लिए खुशी का था। अब प्रश्नोत्तर है कहानी से, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? सुनीता अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पर जा रही थी, इसीलिए सभी लोग उसे गौर से देख रहे थे। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? सुनीता बाकी बच्चों जैसी ही थी, वह अपने आप को स्वावलंबी ही मानती थी। दुकानदार ने चीनी की थैली सुनीता की गोद में रखकर लाकर रख दी, इसलिए उसे दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा। मजेदार, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? सुनीता चल नहीं पाती थी, अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाहर जाने उसे अच्छा लगता था। उस बहाने वे बाकी के बच्चे, लोगों को, गाड़ियों का आनंद उठा सकती थी। तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती है? अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं। मेरे घर के आसपास चौराहा है, वहाँ दिन रात गाड़ियां दौड़ती है, लोगों की आवाजाही लगी रहती है, शोरगुल, दुकान, ठेले आदि की चमक धमक मुझे अच्छी लगती है। कोई बच्चों के साथ घूमने निकलता है तो कोई खरीदारी करने, कोई साइकिल पर चक्कर लगाता है तो कोई बस में। पार्क में बच्चे अलग अलग कसरत करने आते हैं, करते नजर आते हैं। पानी पूरी, सैंडविच, भेलपूरी वालों के खोमचे देखकर मेरे भी मुंह में पानी भर आता है। फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? माँ ने फरीदा को रोक दिया क्योंकि उसके विचार से सुनीता को फरीदा का पूछना बुरा लग सकता था। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? फरीदा छोटी थी, अज्ञान और कुतूहलवश वह सुनीता की पहिया गाड़ी के बारे में जानना चाहती थी। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात करने से मना किया जाता है? कौन मना करता है, कब मना करता है? नहीं, मुझे कोई काम करने से मना नहीं करता। मेरी माँ को लगता है कि मैं उम्र के हिसाब से ज्यादा समझदार हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी हो आएगी और उसे उस परेशानी न हो उसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम बदलाव सुझा सकती हो? सुनीता अपनी पहिया कुर्सी को लेकर अगर मेरी पाठशाला में आएगी तो सीढ़ियों से ऊपर न चढ़ सकेगी, उसे और कुर्सी को उठाकर कक्षा में ले जाना होगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ? पहिया कुर्सी को आसानी से आने जाने के लिए एक ढलान बनानी होगी जिससे कुर्सी पर बैठे बैठे ही वह पाठशाला में प्रवेश कर सकेगी। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी।
वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। अब यहाँ सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताई जाती है बातें। प्रिय सुनीता, सप्रेम नमस्कार। मैं जानती हूँ तुम बहुत ही सामर्थ्यशाली और स्वावलंबी लड़की हो। तुम अपने आप को बाकी बच्चों से अलग नहीं समझती। तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसके लिए तैयार किया है। जन्म से पहिया कुर्सी की सहायता से ही चल पाने के बावजूद भी तुम आत्मनिर्भर हो। आशा है हम कभी मिलेंगे। हम जैसे बच्चों को तुम्ही से प्रेरणा प्राप्त होगी। तुम्हारी प्रिया। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते, फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? अंध बच्चे ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ सकते हैं। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? लुई ब्रेल नामक इंसान ने इसके बारे में सोचा। आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो सुन बोल नहीं सकता? तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? जी हाँ, मेरा एक दोस्त है भरत नाम का। वह सुन और बोल नहीं सकता। मैं उसे इशारे से अपनी बातें समझाता हूँ। वह लिप मूवमेंट जानता है। मेरे होंठों की हालचाल से वह शब्दों को भी जान लेता है। धन्यवाद।